गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पैरी पौना जी। टाइम हो रहा है सवा 12, इसलिए मैं आपसे करें गुड आफ्टरनून। और आप सोच रहे होंगे ये आज से क्या हुआ, ये इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रही है। ऐवें मेरा मन कर रहा था इसलिए बोल रही हूँ। और मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि आर को जितनी तैयारी कराई थी साइंस के पेपर के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा डर लगता है, इसको इतना साइंस के पेपर को लेकर डर नहीं लगता, बट मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि साइंस का पेपर है। आजकल आपने देखा पैटर्न बहुत चेंज है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंज है। MCQ, फिलअप्स, एजर्शन, रीजंस, और वो पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अलग तरीके से आता है। मैथ्स का भी, बल्कि मैथ्स का पेपर लगता नहीं है, लगता है जैसे हम लिटरेचर का या इंग्लिश का पेपर कर रहे हों। तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो बच्चों के लिए बहुत नए हैं, तो इसलिए इन सब्जेक्ट्स में, SST में, साइंस में और मैथ्स में मुझे बहुत डर लगता है बच्चों के साथ, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन होती है। बट आरव कह रहा है कि उसका पेपर बहुत अच्छा गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बट बाकी रियलिटी तो मार्क्स आने में पता चली जाएगी। और अभी ब्रूनो को खाना मैंने देना है, बनाने लगी हूँ। और कल हमने खाए थे ना टीका राम के कुलचे छोले, तो आज मेरी बेटी की छुट्टी है तो वो पीछे कैसे रहेगी, तो उसके लिए भी हम लेकर आए हैं टीका राम के कुलचे छोले, है ना जटोरी। ऐसे ऐसे मुंडी घूम रही है, आज का दिन है। चलो तो पहले देखिए ब्रूनो की मस्तियाँ अपने भाई के साथ। ये देखिए गाइस, ये देखो छीके कैसे मार रहा है, जमीन पर लेटता है, इसको छीके कितनी आ रही हैं, गधा कहीं का। अरे इसको जमीन से ऊपर कर, पेपर अच्छा गया ना? नहीं, तेरी आंखें क्यों चमक रही थी, सीरियसली यार तेरी आंखें चमकी, कभी कभार चमक जाती है। हेलो गाइस तो कर दे, हेलो गाइस, पेपर कैसा गया गाइस? नाम लिख के आ गया, नाम लिख कर आया पेपर में, और क्या, छित्तर खाएगा मेरे को, हो गया था पेपर, नाम लिख के आ गया। चल इसको ऊपर ही रहने दे, ठीक है, मैं बना लाती हूँ नाश्ता। गाइज ये देखिए कल थे हमारा छोले कुलचे का टाइम, आज है। अरे तेरे तो दोनों बार मजे आ गए, नहीं मैं तो नाश्ता करके तेरे को लेने आई थी। मुड़ी है वो ब्रूनो, यू नॉट है वो। ब्रूनो की रोटी ये पड़ी है और मैं अब इसको खिला रही हूँ उसका खाना। गाइज अभी मैं जा रही हूँ बाजार और मेरी हालत इतनी खराब हुई पड़ी है, मतलब अनटाइडी, लेकिन मैं पूरा लपेटा लपाटी करके बाजार जा रही हूँ। मुझे लेकर जाना है अपनी बेटी को कुछ काम से, और वहां पर अगर ब्लॉग पॉसिबल हुआ तो मैं ब्लॉग बनाने देना। अब लेंस कट की दुकान पे कपड़े तो फेंक के जाओ। हाँ जी, तो हम जा रहे हैं लेंस कट की शॉप पे, इसके लिए क्या लेने, वहाँ वीडियो नहीं बनेगी, बनेगी अगर बन पाई तो जरूर बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, और बाबा, अच्छा चलो ठीक है नहीं बनाएंगे। और बाबा जी की फोटो जो हमने दी थी ठीक करने, वो भी पता करनी है, आज ही मिलनी थी, तो चलिए चलते हैं बाजार, फिर आके नहाऊंगी, गर्मी बड़ी है। A few moments later. Welcome back guys, मैं आपसे मिल रही हूँ रात को 8 बजे, और मैंने आपको सुबह बोला था कि मैंने बाजार जाना है बेटी के किसी काम से, और मैं बाजार गई थी। कौन आया? हाँ जी, तो गाइज हमारा प्यारा सा सैमी आया था जो मुझे बुला रहा था किसी काम से, और मैं बाजार गई, बाजार से मैं घर पहुंची 2:45, और बच्चों के आने का टाइम हो चुका था। फटाफट नहाई धोई, खाना वाना, चावल चुवल आए, घुचड़ पुचड़ करके बनाए और खाए, और पढ़ाने बैठ गई, और इतना हैक्टिक हो गया। अब जाके मैं 8 बजे फ्री हुई हूँ, तो अब बना रही हूँ अपने लिए पटियाला कप चाय का, और फिर जाऊँगी मंदिर। हनुमान जी का दिन है, ट्यूजडे, प्रसाद चढ़ाने जाना है, खाना अभी कुछ नहीं बनाना है, थैंक गॉड रात को खाना अभी नहीं बनाना, थोड़ा 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 ना सब पड़ा हुआ है, थोड़े से राजमा पड़े हैं, थोड़ा सा आलू मटर पड़ा है, थोड़ा सा और पता नहीं क्या, 2-4 चीज़ें पड़ी हुई हैं फ्रिज के अंदर, तो अभी पहले वो ख़त्म करेंगे, फिर कल ताज़ा और बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हेक्टिक शेड्यूल जा रहा है, और आपको पीछे मेरे बाबा जी की फ़ोटो नज़र आ रही है ना, ये फोटो अभी हमने ठीक करने दी थी, और लेमिनेशन देखिए कितना सुंदर हुआ है, आपको दिख रहा है फ्रेम वर्क कितना अच्छा हुआ, मैं आपको ध्यान से दिखाती हूँ। गाइज ये देखिए बाबा जी की फ़ोटो पूरी तरह से ठीक होकर, सेटअप होकर अपनी जगह पर वापस से आ गई, तो इनके बिना तो मेरा चलता ही नहीं है ना। ये देखिए मैं ब्रूनो के लिए भी कुछ बनाती हूँ, और मैं काटने लगी हूँ पपाया जो हम दोपहर को लेकर आए थे, और बेटी को नया चश्मा दिलवा दिया, जो दिलवा दिया फरमाइशें भी, ये शुक्र करो कि फरमाइश करने लग गई, और भाई कुछ नहीं मांगती थी, अब एटलीस्ट थोड़ा जॉब कर रही है, बाहर जाती है, तो चलो महीने में एक आधी बार ये दिलवा दो, पर वो ना ये लंबा ही हो जाता है, फिर लंबा चौड़ा है ना। चलिए गाइस बच्चों के साथ ही सब कुछ है, तो बनाते हैं पपाया, काटते हैं पपाया, बनाते हैं चाय। मैं आपको दिखाऊंगी हमारे घर के पास वाला मंदिर, जो बहुत ही सुंदर और बड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ। आज हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाया है, देखिए और दर्शन कीजिए। ये देखिए गाइस बहुत ही बड़ा और विशाल मंदिर है, ये हमारे एरिया का बहुत ही फेमस लक्ष्मी नारायण मंदिर है, देखिए यहीं पर आती हूँ मैं हर मंगलवार प्रसाद चढ़ाने, और ये देखिए यहाँ पर शिव जी की मूर्ति
गणेश जी, पार्वती और ये शिवलिंग बहुत ही सुंदर है। बहुत भीड़ होती है यहाँ पे त्यौहार पे, नवरात्रों पे। तो ये देखिए भव्य मंदिर। गाइस सारा दिन के हैक्टिक शेड्यूल के बाद अब मिला है टाइम थोड़ा सा। अरे एक मिनट, धीरे बोलो। ये कैरम शुरू होता है, बात नहीं करने देते। अरे एक सेकंड भाई रुक जाओ, मैं बस अब 10 मिनट के लिए लेटी हूँ क्योंकि 9:30 बज गए और मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे। तो मैंने कहा एक कमर सीधी कर लो 10 मिनट लेट कर, क्योंकि टाइम नहीं मिलता बिल्कुल। और बहुत देर तक बैठे रहने की वजह से ना बैक पेन बहुत सीवियर हो जाती है वापस से। तो अभी 10 मिनट लेटी हुई हूँ ताकि इनके आने तक थोड़ा सा रिफ्रेश हो सकूं। और खाना मैंने आपको बताया था बनाना ही नहीं है अभी रात को, इतनी सब जगह पड़ा हुआ, तो वो खत्म करेंगे पहले। और बच्चे शोर इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि वो खेल रहे हैं कैरम बोर्ड, और मैं भी 10 मिनट एक नैप लेने के बाद इनके साथ कैरम खेलूंगी और फिर देखते हैं कौन जीतता है। आर यू रेडी? मैं तो आ रहा हूँ। क्यों? अच्छा गाइस, जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने अकेले अकेले आइसक्रीम खाई है थोड़ी सी, और बच्चे आ गए, इनको पता नहीं था, ये घूर के देख रहे हैं। आरव क्या लेकर आया तू? कुछ भी नहीं। और मैं आपको दिखाऊं ये ब्रूनी क्या घूर रहा है। आरव सॉरी ब्रूनू, ब्रूनू देखिए ये मेरी जो बिगड़ी औलादे है ना, ये दोनों ये लाइए, मैं नहीं लाया। हाँ तो ये दूसरा सबूत हाथ में। हाँ दूसरा भी खा रहा है, लॉलीपॉप भी खा रहा है दूसरा भी। मैं नहीं खा रहा। और मेरी हर चीज चाहिए होती है भाई। आपकी अपनी आवाज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं। और इस चटोरे को देखो आप जरा ध्यान से। अरे बस भैया बस, इशू बस, मेरे को तो दे दे। कोको कोला फ्लेवर है क्या? आई एम कमिंग। कमिंग कमिंग क्या बोल रहे भाई तू? आई एम कमिंग कमिंग। अच्छा अच्छा चलो अभी सैमू तुम लोग कैरम खेलने लगे हो ना? हाँ जी। कैमरे में घुस जाओ दोनों। अरे सैमी गर्दन दब रही है उसकी, वो देखो वो चढ़ गया पीछे से, आ गया आ गया, उसको लगा झगड़ा हो रही है। देखो गाइस मैं 10 मिनट के लिए लेटी और मेरे हस्बैंड आ गए, तो मैं उठ गई। फिर बच्चों के साथ कैरम खेलना कैंसिल हो गया, तो अब कैरम कल खेलेंगे। एक्चुअली मैंने खाना खा लिया है और बच्चे दोनों अब खाना नहीं खा रहे रात को, क्योंकि उन्होंने शाम को अपना हल्का फुल्का ब्रेड ये वो चटर पटर खा लिया था, तो अब उनको भूख बिल्कुल नहीं है। तो मैं अभी अपने हस्बैंड के लिए खाना गर्म करने लगी हूँ, मतलब कुलचे पड़े थे कुलचे गर्म कर रही हूँ, चिकन पड़ा है चिकन थोड़ा सा वो गर्म कर रही हूँ, बस उनको खाना देने लगी हूँ। और इधर मेरे लिए पानी गर्म हो रहा है पीने के लिए, जो आज मैंने उबाला ही नहीं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बना रही हूँ, पी रही हूँ गर्म करके। बट गर्म पानी इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, आई एम टेलिंग यू। गर्मी चाहे कितनी भी हो, पानी हल्का ल्यूक वार्म करके ही पीजिए, ताकि आपको वेदर चेंजेस की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो और ये सब, क्योंकि आपको पता है हम लोगों का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो हम ज़्यादा केयर कर नहीं पाते अपनी। बट जितना हो सके नॉर्मल पानी या ठंडा तो बिल्कुल नहीं पीना, या तो नॉर्मल पियो या हल्का गर्म करके पियो, तो वो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो चलिए अभी मैं गप्पे मारती हूँ कम, और आजकल जो छुटका पुटका ब्लॉग मेरा बन पा रहा है, आप लोगों का प्यार और साथ चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी ज़्यादा जा रहा है बच्चों के एग्जाम्स की वजह से और आरफ के एग्जाम्स की वजह से, तो कान पकड़ के माफ़ी लीजिए कि आपसे ज़्यादा देर तक हम मिल नहीं पा रहे। बट एक बात है, मेरी ब्लॉग की कंटिन्यूटी बनी हुई है आपके साथ, और जितना मैं कोशिश करती हूँ कि बना सकूँ तो मैं बनाती हूँ, क्योंकि फ़ोन भी आरफ के पास होता है, उसके सारे असाइनमेंट्स क्वेश्चंस वगैरह सब फ़ोन में आते हैं, तो फ़ोन उसके पास भी होता है। मतलब वो मुझे डांट लगा देते हैं, मैं आप ब्लॉग बनाओ मैं पेपर की तैयारी करूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल अपने नए ब्लॉग में, तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।